तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर अब अभी अभी तक हमने हीट कंडक्शन, हीट कैसे ट्रांसफर होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, हीट कैसे फ्लो करती है लोअर टू हायर, ठीक है। अब हम समझते हैं हीट का, हमने फॉर्म समझ लिया कि किस में हमको उसको मेजर करना है, किस तरीके से मेजर करना है आप वो समझेंगे, ठीक है। तो आज का जो पॉइंट है हमारा वो सिर्फ ये है कि व्हाट इज थर्मामीटर, काम कैसे करता है, क्या होता है, किस तरीके का होता है, कैसा दिखता है और कैसे चलता है। तो जो थर्मामीटर है वो एक तरीके का डिवाइस होता है, और हमने समझा कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर एक तरीके की यूनिट है जिससे हम किसी भी चीज की हॉटनेस या फिर किसी भी चीज की कोल्डनेस और चिलनेस को हम मैनेज कर सकते हैं, और हम पता लगा सकते हैं कि कोई चीज कितनी गर्म है, कितनी ज्यादा ठंडी है। अब हमारे पास स्केल है, अब हमको पता है कि किस यूनिट में उसको नापना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम उसे नापना कैसे है, क्या डिवाइस लगेगा और किस तरीके से हम उन चीजों को नाप सकते हैं। तो जब भी हमको किसी भी चीज का टेम्परेचर निकालना होता है तो हम यूज करते हैं थर्मामीटर का, ठीक है। अब थर्मामीटर क्या होता है और कैसे काम करता है और कितने तरीके का होता है पहले वो समझते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ थर्मामीटर। थर्मामीटर जो होता है वो दो तरीके का होता है। थर्मामीटर का जो बेसिक यूज है वो ये होता है कि जो हम जितने भी हॉस्पिटल्स में जाते हैं वहां पे एक बेसिक यूज होता है, दूसरा लेबोरेटरी में होता है। तो दो टाइप के थर्मामीटर है, पहला लेबोरेटरी थर्मामीटर और दूसरा है क्लिनिकल। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनमें बेसिक डिफरेंस ये होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर की जो रेंज होती है यानी कितना ज्यादा ठंडा है वो भी बहुत ज्यादा होती है, और कितना ज्यादा गर्म जा सकता है वो, कितना ज्यादा गर्म नाप सकता है वो भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज कम होती है क्योंकि उसमें हमें करना क्या है, हमें बॉडी का टेम्परेचर देखना है। बॉडी का टेम्परेचर अगर नीचे 2 डिग्री जाता है तो भी इंसान मर जाता है, और ऊपर 6 डिग्री अगर 6 डिग्री उससे ज्यादा चल जाए तो भी इंसान मर सकता है, ठीक है। तो हमें ज्यादा रेंज नहीं चाहिए होती है, तो इसलिए दो टाइप के थर्मामीटर है, पहला है लेबोरेटरी और दूसरा है क्लिनिकल। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसके भी सिर्फ दो ही, मतलब जो हमने जैसा पढ़ा था सेल्सियस केल्विन फ़ारेनहाइट, तो जो सिर्फ लेबोरेटरी में यूज होता है उसके अंदर सिर्फ सेल्सियस और केल्विन अवेलेबल होता है, हम उसको फ़ारेनहाइट में कभी नहीं नापते, ठीक है। और जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसको सिर्फ और सिर्फ हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में नाप सकते हैं, तो ठीक है। एक यहाँ पे केल्विन अलग है और एक यहाँ पे फ़ारेनहाइट अलग है, और जो सेल्सियस है वो दोनों में कॉमन है। तो ये चीज जो है ये इन दोनों चीज में कॉमन लिंक शो करती है कि सेल्सियस ऊपर का भी टेम्परेचर ज्यादा देख सकता है और नीचे का भी टेम्परेचर ज्यादा देख सकता है। जब हमें एक्सट्रीम ऊपर का टेम्परेचर देखना है, एक्सट्रीम नीचे का टेम्परेचर देखना है, तो हम केल्विन का यूज करते हैं, और जब बहुत कम रेंज में हमको टेम्परेचर चेक करना है तब हम फ़ारेनहाइट का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर हायर टेम्परेचर इन लेबोरेटरी बायोमेटेलिक थर्मामीटर आर यूज। व्हाट इज बायोमेटेलिक थर्मामीटर? जब भी हम किसी चीज को, जैसे कोई चीज जल रही है, हमें किसी भी जलते हुए कोल का टेम्परेचर देखना है, हमें देखना है कि हमने कोई मेटल अगर हीट किया तो मेटल किस टेम्परेचर पे जाके अगर मेल्ट हो रहा है, या फिर किस टेम्परेचर पे जाके वो अपनी स्टेट बदल रहा है, यानी सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जा रहा है हीट देने पे उसको, ठीक है। तो जब हमें ये समझना होता है तब हम बायोमेटेलिक थर्मामीटर का यूज करते हैं। इसका बायोमेटेलिक थर्मामीटर, ठीक है। तो बायोमेटेलिक थर्मामीटर जब बहुत ज्यादा ही एक्सट्रीम रेंज, हमें मेटल की जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो चेक करना हो, या फिर जो हमारी लिक्विड गैसेस होती हैं, कौन सी लिक्विड गैसेस, जैसे नाइट्रोजन हो गई या फिर ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन जैसे जाती है -172 डिग्री सेल्सियस पे नीचे, और जो ऑक्सीजन आती है वो -145 से -150 के आसपास जो रेंज करती है, तो ये हम नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं देख सकते, इसलिए हमें बायोमेटेलिक जो थर्मामीटर है वो लेबोरेटरी में यूज करना होता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ थर्मामीटर, थर्मामीटर का डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी वो कैसा दिखता है और कैसा होता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो एक ये सिंपल ट्यूब है, एक कांच की ट्यूब हमें बाहर दिखती है, एक नीचे के साइड एक छोटा सा बल्ब जैसा बना हुआ होता है जिसको हम हमारे माउथ में प्लेस करते हैं, कोई भी ऐसी जगह जहां से हमको टेम्परेचर नोट करना होता है हम उसको वहां प्लेस करते हैं। तो ये बेसिक है कि हमें बाहर से कैसा दिख रहा है, अब हमें अंदर से कैसा, अब अंदर उसकी क्या क्या चीजें होती है और वो कैसे काम करता है। थिन ग्लास ट्यूब इज नोन एज कैपिलरी ट्यूब। एक बहुत थिन, एक पतले ग्लास की ट्यूब होती है उसको हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिलरी ट्यूब। उस कैपिलरी ट्यूब में हम मेजर करते हैं कि कितना टेम्परेचर ऊपर जा रहा है। एक बहुत पतली ग्लास की ट्यूब होती है, हम इसको ज्यादा मोटा नहीं ले सकते क्योंकि फिर जो उसके अंदर मर्करी भरा हुआ होता है उसका फ्लो सही नहीं होता, तो हमें बहुत पतली ग्लास की ट्यूब एक लेनी होती है, ठीक है, उसको हम कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। अ वेरी थिन ग्लास बल्ब इज फिल्ड विथ मर्करी। आप जब उसमें नीचे देखेंगे तो उस ट्यूब के नीचे एक बल्ब जैसा बना हुआ होगा, हमने अगर कांच का बल्ब देखा होगा तो उसका ऐसा एक गोल सा शेप होता है जिसके अंदर हम चीजें फिल कर सकते हैं।
तो एक छोटे से बल्ब के अंदर मरकरी इज अ मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, ठीक है, आप बस इतना समझ लीजिए, मरकरी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, तो उस बल्ब के अंदर जो होता है वो मरकरी फिल्ड होता है, ठीक है, जो उसका नीचे का एंड है, नीचे वाले एंड पे, और जो उसका टॉप एंड है यानी जो सबसे ऊपर वाला एंड है वो ग्लास से सील्ड होता है, यानी ऊपर से वो कहीं नहीं जा सकता, वो ऊपर से सील्ड है, यानी एक साइड बल्ब है और दूसरी टाइप जो उसकी साइड है उसके ऊपर वो सील्ड है कांच से, ठीक है। अ थिन ग्लास ट्यूब इज प्रोटेक्टेड विद अ थिक ग्लास ट्यूब। अब इतनी पतली ग्लास की ट्यूब को हम डायरेक्ट उसमें यूज में नहीं ले सकते, क्यों है ऐसा, क्योंकि पतली ग्लास ट्यूब बहुत फ्रजाइल होगी, फ्रजाइल यानी जो हल्का सा भी टच करने में बिल्कुल चूर चूर हो जाएगी, हम उसको ढंग से यूज में नहीं ले सकते, तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए और उसको ढंग से प्रोटेक्ट करने के लिए उस थिन ग्लास ट्यूब के ऊपर एक मोटे ग्लास की ट्यूब की कवरिंग होती है जो उसको किसी भी डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अगर वो उस ट्यूब में अगर कोई भी ब्रेक आ गया या फिर कुछ भी ऐसा हो गया तो उसमें एरर आने लग जाएंगे, यानी वो एक बिल्कुल सही टेम्परेचर ना देकर गलत टेम्परेचर देगा और हो सकता है किसी केस में वो बिल्कुल ही खराब हो जाए, ठीक है। मर्करी मेटल कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, यही एक रीजन है जिस वजह से हम मर्करी को थर्मामीटर में यूज करते हैं, क्यों, मर्करी जो मेटल है अगर बहुत ज्यादा मतलब अगर टेम्परेचर के हिसाब से वो हीट होता है तो एक्सपेंड करता है, यानी मान लीजिए हमने थर्मामीटर को प्लेस किया, उस बल्ब के अंदर मर्करी भरा हुआ है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो राइज करेगा, यानी वो एक्सपेंड होगा, वो बढ़ेगा, तो बढ़ने से हुआ क्या, उसकी ट्यूब में फिल होता जाएगा और हमें पलता पता चलता जाएगा कि टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है, ठीक है। तो मर्करी एक्सपैंड अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, एक्सपैंड एंड कंप्रेस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो ऊपर बढ़ेगा और टेम्परेचर कम हुआ तो अपने आप नीचे आ जाएगा। इट इज अ शाइनी सिल्वर व्हाइट इन कलर, कैन बी सीन इजीली। अब किसी भी मेटल को अगर हमें देखना है तो उसका शाइनी, इसका जो कलर है वो शाइनी व्हाइट सिल्वरी होता है, ठीक है, अगर हमें देखना होगा तो आराम से हमें देख सकता है कि कितना फिल हो गया है। मान लीजिए अगर अगर जो मेटल है वो ट्रांसपेरेंट होता तो हमें दिखता नहीं ग्लास ट्यूब में आर पार, ठीक है, तो इसलिए जो ये मेटल होता है शाइनली शाइनी सिल्वरी व्हाइट होता है। इट डज नॉट स्टिक टू वॉल्स। अब क्या हुआ, मान लीजिए हमने इसको ऐसे फिल किया, वो ऊपर राइज हो गया, उसके बाद में जब वो नीचे गया अगर वो दीवारों पे चिपक जाता है तो पूरा फिल नहीं होगा और अगली बार फिर से एरर देगा। तो ये जो मेटल होता है ये इसकी वॉल्स पे स्टिक नहीं करता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है मर्करी को यूज करने का, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप एक बार देख लीजिए और नोट कर लीजिए।